हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और बहुत ही ज़्यादा यम्मी, टेस्टी एंड फेमस स्ट्रीट फूड, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से और इंटरेस्टिंग वे में, जिसे आपने पहले तो खाया होगा बट इस बार ये थोड़ा सा डिफरेंट है और टेस्टी भी है, साथ ही बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो आइए बनाते हैं ऐसा टेस्टी, यम्मी, इंटरेस्टिंग स्ट्रीट फूड। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैन, उसमें मैंने डाला है आधा बड़ा चम्मच ऑयल, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हाफ टी स्पून जीरा, आधा स्पून सरसों, 1/4 टीस्पून जितना हींग है, 2 हरी मिर्च है और 1 बड़ा प्याज है जिसको बारीक काट कर मैं डाल रही हूँ। डालकर थोड़ा सा भून रही हूँ। भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो भी 1 टीस्पून है। इसमें मैंने जो भी मसाले डाले वो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर थोड़ा सा भून रही हूँ। भुनने के बाद अब ये है जीरा पाउडर, ये भी अराउंड 1/2 टीस्पून है। डालकर थोड़ा सा भून कर अब मैं इसमें डालूँगी आलू। आलू को मैंने उबाल कर ठंडा करके खींच लिया है। उसके बाद ये है आमचूर पाउडर, अराउंड 1 टीस्पून है, और गरम मसाला 1/2 टीस्पून है जो कि मुझे पहले डालना था, मिस हो गया। और बारीक कटा हरा धनिया है। डालकर अब हम सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके पहले इसमें मैंने डाला है नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें डाला है अराउंड 1/2 टीस्पून जितना नमक। डालकर अब हम सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी आप लेफ़्ट ओवर आलू की सब्ज़ी से भी बना सकते हैं। अब हमारी आलू की सब्ज़ी बन गई है, मैं इसे रख रही हूँ साइड में। अब हम बनाते हैं बैटर। तो ये है 1 कप बेसन और 1/4 कप चावल का आटा है, आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और ये है नमक 1 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है और ये है अजवाइन, ये 1 टीस्पून है। हींग अराउंड 2 चुटकी है और 1 टीस्पून ऑयल है। डालकर अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम लोग बेसन का एक घोल बना रहे हैं, जिसे हम लोग भजिए के लिए बनाते हैं, आलू गुंडा के लिए, उस तरीके से ही इसका भी घोल बनाना है। अभी मैंने पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। बैटर ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, तो ध्यान से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा थिक सा बैटर, ना ही बहुत ज़्यादा थिक ना ही बहुत ज़्यादा पतला। ये रेसिपी है मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड वड़ा पाव, बट इस वड़ा पाव को हम बनाएंगे उल्टा, मीन्स उल्टा वड़ा पाव। तो अब हमारा बेसन का बैटर बनके रेडी है, आप देख सकते हैं ये ना तो बहुत ज़्यादा पतला है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बस इतना ही बनाना है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। और ये है हमारा हरा चटनी और लहसुन की सूखी चटनी, और ये है पाव का पैकेट। इसके लिए हमें थोड़े छोटे साइज़ के ही पाव यूज़ करने हैं, और आलू की सब्ज़ी तो बन के रेडी है। तो सबसे पहले मैंने एक पाव लिया है, पाव लेकर इसको हम लोग इस तरीके से बीच में काटेंगे। बीच में काटने के बाद इसमें हम लगाएंगे चटनी। जैसे कि मैंने बताया है, इसके लिए पाव हमें थोड़ा छोटा साइज़ का लेना है, मेरा पाव थोड़ा बड़ा है, अगर आपको इससे छोटा पाव मिलता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यह है आलू, आलू की सब्ज़ी, इससे हम लोग एक टिक्की बनाएंगे। टिक्की उतनी ही बनानी है जितनी कि इस पाव में आ सके, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। तो इस तरीके से हम लोग राउंड बॉल बना के इसे थोड़ा सा चपटा कर लेते हैं। चपटा करके अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब ये बनके रेडी है। अब हम करते हैं आगे का प्रोसीजर। अगर हम लोग सारी चीज़ें तैयार करके रख लेते हैं तो ये जो रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस ये आलू की सब्ज़ी बनाने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी इसके आगे के सारे स्टेप बहुत ज़्यादा आसान है। अभी मैंने रखा है लहसुन की सूखी चटनी। उसके बाद ये है हरी चटनी। लहसुन की चटनी और हरी चटनी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इसका वीडियो मैंने बहुत पहले ही शेयर कर दिया था। अब चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा, जैसे तीखा चाहिए जैसे चाहिए वैसे आप चटनी लगा लेना। उसके बाद इसके ऊपर हम रखते हैं ये आलू की टिक्की। आलू की टिक्की रखकर अब हम दोनों पाव को इस तरीके से बंद कर देते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा बर्गर दिख रहा है, देसी बर्गर। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट यहाँ पे हम लोग उल्टा वड़ा पाव बना रहे हैं इसलिए इसके आगे का स्टेप करना भी ज़रूरी है। तो अभी इसमें भी मैंने लहसुन की सूखी चटनी लगा दी है और बाकी सारे चटनी लगाकर, मीन्स हरा चटनी लगाकर इसको भी हम लोग तैयार करके रख लेते हैं।
और यहाँ पे आप चाहो तो इसको इसी तरीके से तवे पे सेक कर एज ए बर्गर भी खा सकते हैं, या फिर बिना सेके ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब ये भी बन के रेडी है। अब हम देखते हैं बेसन, बेसन का बैटर को आधा घंटा रेस्ट देना ज़रूरी है। उसके बाद ये है बेकिंग सोडा, ये मैंने अराउंड 1/4 टीस्पून जितना डाला है। मेरा जो चम्मच है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उतना डालकर इसको हम लोग एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं, और सोडा तभी डालना है जब हमें बनाना हो। उसके बाद हम लोग पाव लेते हैं, इस तरीके से बेसन के घोल में अच्छे से डिप कर लेते हैं, और बेसन के घोल में इसे हमें ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, बस इस तरीके से तुरंत डिप करके इसे हम लोग ऑयल में छोड़ देते हैं। पहले उल्टा करके डालना है, उल्टा करके डालने के बाद इसको हम पलट देंगे, इसीलिए इसे उल्टा वड़ा पाव कहते हैं। तो अब इसको मैं इस तरीके से पलट रही हूँ, पलट कर ऐसे ही हम लोग बाकी सारे पाव को भी फ्राई कर लेंगे। इस पाव वड़ा पाव में टाइम बचता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल जो ट्रेडिशनली वड़ा पाव खाते हैं उसमें पहले हम लोग अलग से वड़ा बनाते हैं फिर उसको पाव में रखते हैं, बट यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है उसके कंपैरिजन में। वो भी टेस्टी है, बट ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये बहुत ज़्यादा जल्दी बनता है और खाने में भी थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है और बहुत अच्छा लगता है। ये कट करने के बाद एक तरह से सैंडविच जैसा भी दिखता है, दिखता ही नहीं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सैंडविच से भी अच्छा है। तो अब हमारे ये जो उल्टा वड़ा पाव है ये फ्राई हो गए हैं, इन्हें मैं निकाल रही हूँ। निकालने के बाद इसी तरीके से हम लोग सारे वड़ा पाव को फ्राई कर लेंगे, और ध्यान रहे वड़ा पाव डालते समय तेल एकदम गर्म होना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे। मीडियम करने के बाद मीडियम हाई फ्लेम पर ही इस तरीके से ऊपर नीचे पलटते हुए क्रिस्पी होते तक फ्राई करेंगे, और एक बार में जितने आते हैं उतने हमें डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब ये बन गए हैं, बनने के बाद इसको मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। अब मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में। आप देख सकते हैं ये हमारा देसी बर्गर दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ हरी चटनी, सूखी चटनी और फ्राइड चिल्ली के साथ। आप भी इसे ज़रूर बनाइए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।